क्या कहेंगे सर नौजवानों को? इस मुल्क के सारे लोगों को 25 करोड़ को दहशतगर्द कहा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा कोसा साहब, अभी आप कह रहे हैं खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो किन निकात पर, किन पॉइंट्स पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे, क्या पैगाम देंगे? अभी बात शुरू नहीं है, आपने पहले पूछना शुरू कर दिया। क्या उनको बताएंगे, कन्विंस करेंगे कि मुफाहमा थोड़ा सा बैक स्टेप पे जाएं और चीज़ों को कूल डाउन करें थोड़ा सा? देखिए ये सियासी मामला जो हैं वो जो भी सियासी क्यादतें होती हैं वो अपने उसको बेहतर समझते हैं। मैं तो जो प्रोफेशनल और उनके मुकदमात के बारे में वही बात करूंगा। बाकी अगर ये मुझसे पूछेंगे तो चूंकि मेरा एक ताल्लुक सियासत में भी बहुत गहरा रहा है तो फिर जो मैं समझूंगा मुनासिब तो मैं बात करूँ। उस्ताद साहब, खान साहब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर वो आपसे राय मांगते हैं सियासी उमूर पर, लीगली तो आप उनके वकील हैं ही, लेकिन अगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं, राय मांगते हैं, तो क्या उनको राय देंगे, क्या उनको कहेंगे कि थोड़ा सा पीछे बैक, सब वो कहते हैं ना समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। दूसरी तरफ से कोई बात आ रही है, कोई ऐसा आपको इंडिया नज़र आ रहा है जो यलगार हो रही है? और जो अभी सवाल किया गया था कि सभी नौजवानों को दहशतगर्द और पीटीआई के नौजवानों को दहशतगर्द मुतसवर किया जा रहा है, तो क्या उधर से भी कोई लेटर हिंड्रेंस है, या आप एक तरफा कह रहे हैं कि मैं उन्हें एक तरफा मशवरा दूं कि आप जो है पीछे हट जाएं? लेकिन खोसा साहब, दौरानी साहब तो बहुत एक्टिव हैं और उनको बहुत ज़्यादा करीबी समझा जाता है जो हल्के हैं, तो क्या समझते हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में क्या होता हुआ बर्फ़ पिघलती हुई देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तर पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया हुआ उन्होंने? दुरानी साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी पर मुझे बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुरानी साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कोई ऐसी मफाहमत कर सकें। बाकी ठीक है, उनको माशाल्लाह आप लोगों की मिल जाती है, उनको सोशल मीडिया पर या अदरवाइज मीडिया पर उनको जो है हाइप शॉप भी है और हाइप भी मिल जाती है, तो अच्छी बात है, वो करते रहें। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद देख रहे हैं इलेक्शंस में? देखें बिल्कुल, जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा के चुन के रख दिया है और पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, तो जाहिर है कि फिर अगर इस वक्त एक ही अगर आंखों का तारा होगा और जिसको जिस अंदाज से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और यहाँ अदालतों में भी, और उनकी सुनवाई जो है ना सिर्फ केयर टेकर हुकूमतें उनकी गुलामी कर रही हैं, तो जाहिर है फिर बाकी भी जमातों को तो सोचना पड़ेगा, फिर उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त पछतावा हो रहा होगा, जो आप उस वक्त राय दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, बिलावल को उनका वजीर नहीं बनना चाहिए, तो क्या पछतावा जरदारी साहब बिलावल साहब को हो रहा होगा? होना तो चाहिए, अब हो रहा होगा या नहीं, लेकिन इजहार मजहर तो इसी चीज़ का है। उनके जो भी बयान इस वक्त आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, वो तो इसी चीज़ की गम्बाजी करते हैं कि ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जिस तरीके से लाया जा रहा है, ये फिर एक सिलेक्टेड की जो है शायद एक शाखसाना है और जिसकी तरफ गामजन है इस वक्त, और फिर दोबारा शायद आपको तहरीक चलाना पड़ेगा।